यस्मात् जिसले श्रुति युक्ति अनुभव इत्यादियों के द्वारा विचार के निश्चय हुआ आत्मा और देह में क्या फर्क है, ये निश्चय हो चुका। इसलिए तस्मात् हे भारत, भारत मने विवेक विज्ञान संपन्न, संबोधन करते रहे ले, विवेक विज्ञान से अब तुम संपन्न हो गए हो, अतएव युद्धस्व, युद्धाय तस्व, युद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। पूर्वमेव युद्धाय प्रवृत्तम अर्जुनम भ्रांत्या शोचंतं चोक मूलम अपनीय स्व कार्यं कुरुति अनुजानीते। भगवान ने या कोई विधि नहीं कर रहे, युद्ध का विधि नहीं, ये अनुवाद मात्र है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही प्रवृत्त पहले हुआ था। विध्यस्व या विधेय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्वमेव युद्धाय प्रवृत्तम, पहले ही हो युद्ध के लिए प्रवृत्त हो रखा है। तार्ष अर्जुन को हुआ क्या बीच में? फिर भ्रांतिया शोचंतम, भ्रांति से शोक करने लग गया। उस शोक के मूल जो कारण है शरीर और आत्मा के संबंधी अविवेक, उसको दूर करके अपनी अब स्व कार्य करूँ, जिस कार्य के लिए तुम प्रवृत्त हुए थे वह कार्य को तुम करो। इति अनुजानीते भगवान, इस प्रकार से अनुमति दे रहे हैं भगवान। बुभुक्षुम शंकितम शंका अपास्य, जो बुभुक्षु है उसके द्वारा जो शंका मन में थी उसको हटा करके यदि किसी को कह दिया जाए भुंक्ष, इसी प्रकार से इतिवत दृष्टांत है। जैसे आप खाने के लिए प्रवृत्त में बैठे हैं, इन मन में आपको आशंका हुई, उस जगह रंग वरंग देख करके बहुत मिर्ची तो नहीं है इसमें, लाल 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 दिख रहा है, तो आपकी आशंका दूर कर दिया, नहीं नहीं होता ऐसे, रंग है मिर्ची नहीं है। आप भोजन के लिए पहले से प्रवृत्त थे ना, अब थोड़ी विधान करना पड़ रहा है भोजन खाइए, भोजन भुंक्ष जो कहा जा रहा है अब भोजन का विधि नहीं है, क्योंकि आप पहले से प्रवृत्त थे, मन में आशंका हुई इस मिर्ची वर्ची होगी, तब आपने आशंका दूर किया तो फिर अपने आप व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी न तो युद्धम कुरु इति नियुक्त, युद्ध करो ऐसा विधिपूर्वक नियोजन नियुक्त नहीं किया जा रहा है। वैसे भी ज्ञान का कांड चल रहा है, वह कर्म का विधि बीच में कैसे आएगा? ज्ञान कांडे कर्म विधेर अनुपयुक्तत्वात्, ज्ञान कांड के बीच में कर्म का विधि विधान करना बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो नियम है, वैसे भी सामान्य नियम है, लौकिक नियम क्या था? सजातियानां मध्ये विजातिनां प्रवेशो असह्यः, सजातियों के बीच में विजाति का प्रवेश करना असहनीय होता है। ज्ञान कांड की चर्चा है, फिर ज्ञान संबंधी जो है मंत्र आदि का प्रयोग होना चाहिए। कर्म का मतलब क्या लेना देना है यहाँ पे? कर्म कांड के प्रकरण में ज्ञान की चर्चा करो तो बिल्कुल गलत होगा, ज्ञान कांड में कर्म का विधान करो ही गलत है और उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का कर्म के परस्पर विरोध है, उपयोग ही नहीं उसका। नहीं कर्मणि कर्मारंभ, मीमांसकों के सिद्धांत है, कर्म में कर्मारंभ करो ये हो नहीं, होता नहीं है। नहीं कर्मणि कर्मारंभ, बल्कि अलग अलग प्रकरण उन्होंने कर दिए, इसलिए ज्योतिषम प्रकरण है, ये सोमयाग प्रकरण है, ये पशुयाग प्रकरण है, चरुयाग प्रकरण है, प्रकरणों का विभाग करना पड़ता है। एक ही कर्म सारे कर्म का थोड़े विधान होगा, अरे अग्निहोत्र विधान कर रहे तो अग्निहोत्र होगा, उसी में आप ज्योतिष बोलते उसी में दूसरी भी बोल दो तीसरी भी बोल दो, ये नहीं होगा। कर्म में कर्म का विधान नहीं किया जा सकता, कर्मों का अलग अलग विधान होता है, प्रकरण कर दिया गया है, अनेक प्रकरणों में अनेक कर्मों को क्रमशः एक साथ विधान करके नाम ही कर्मकांड है, तो उस विभाग का नाम कर्मकांड कह दिया। कर्मकांड में कर रहा है, हुआ क्या है, एक कर्म थोड़े विधान हुआ है, उसमें सारे कर्म थोड़े घुसा दिया, ऐसा नहीं है। एक कर्म कर्मकांड का मतलब यह है अनेक कर्मों का समूह, जहां वर्णन किया गया है वेद में या स्मृतियों में उस हिस्से का नाम कर्मकांड,
या उपासना या भक्ति, इसकी चर्चा की गई है। अब एक ने अनेकों उपासनाएं, प्राणोपासना है, उसके तीन भाग किया आपने, संपद उपासना, प्रतीकोपासना, अहंगरोपासना, सबको एक साथ खिचड़ी थोड़ी करते हैं, वहाँ भी अलग अलग प्रकरण है, उनके क्रम से वर्णन किया जाता है। सारी उपासना प्रमुख रूप में जहाँ चर्चित, उसका नाम उपासना कांड या भक्ति कांड हो गया। इनमें ज्ञान की केवल जहाँ चर्चा है, ज्ञान संबंधी सारे मंत्र, सारे विद्या, उसको हम कहेंगे ज्ञान कांड। से कर्म में कर्म का विधान नहीं हो सकता, ज्ञान में ज्ञान विधान नहीं हो सकता, भक्ति में भक्ति का विधान नहीं हो सकता, किंतु उनको क्रम से अलग अलग होता है। जब कर्म में ही कर्म का विधान नहीं हो सकता है, तो ज्ञान में कर्म का विधान कैसे हो जाएगा? कहीं मुच्छक नहीं है। नहीं कर्मणि कर्म आरंभ इति कर्मणि कर्मांतर सेवा अनुप्रयुक्तत्वे किम वक्तव्यम। जब कर्म में कर्मांतर का अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो किम वक्तव्यम। स्वप्रतिपक्ष, कर्म का प्रतिपक्ष कौन है? ज्ञान। ज्ञान का प्रतिपक्ष कौन है? कर्म। उनके एक साथ कैसे, एक के अंदर घुसा के विधान कैसे किया जा सकता है? स्वप्रतिपक्ष है ज्ञान प्रकरण कर्म विधेर अनुपयुक्तत्वात्। जैसे ज्ञान का प्रकरण में जो है कर्म का विधि अनुपयुक्त है। अतएव एक और दृष्टांत से प्रयास्यंतम प्रयाहितिवत्, यहाँ चार पंक्ति दोबारा छप गई है, प्रयास्यंतम उसके आगे चार पंक्ति छोड़ दीजिए, वही पूर्व है, दोबारा आ गया प्रयाही इतिवत्। योत्स्यंतम युद्धस्व इति अनुमति मात्र, जाते हुए को हाँ हाँ जाइए जाइए, हाँ बढ़िया बढ़िया अच्छा है, जाइए जाइए, ऐसे जाते हुए को प्रोत्साहन दे देते ना। वैसे ही युद्ध करने के लिए आया ही था अर्जुन, उसे कहते हाँ युद्ध करो करो, सही काम करने आया हो, मत बैठो चुपचाप अभी। इस तरह से उसका शोक दूर करके युद्ध करने के लिए आए हुए को ही युद्ध करो कहा जा रहा है। इति अनुमति मात्रम भगवत वचनस्य तात्पर्यम, भगवान के इस वचन का तात्पर्य इतनी है, इसलिए यहाँ या युद्ध का विधि नहीं है। यद्वा अ तो दूसरे ढंग से इसको लीजिए, एतम वैतम महात्मा विदित्वा ब्राह्मणा वित्थाय अत भिक्षाचर्य चरंती। एतम वैतम महात्मा विदित्वा, वह आत्मा को अनुभव करके ब्राह्मणा वित्थाय, ब्राह्मण लोग संन्यास ले लेते हैं, विद्वत संन्यास कहा जाता है। दो संन्यास होता है, विविदिशा और विद्वत। विविदिशा संन्यास में अभी ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अनुभव तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान भी ठीक ठाक नहीं है, और ज्ञान पाने के लिए संन्यास लिया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना, उसका नाम विविदिशा संन्यास। और ब्रह्म ज्ञान पा लिया, शास्त्रों को पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, ब्रह्मचारी बने रहते हुए, फिर विवेक जगह आप तो अनुभव हो गया, ब्रह्मानुभूति मान लो उसको हो गई। अब ब्रह्मानुभूति होने के बाद उसकी रुचि रहेगा यदि संसार मिथ्या हो गया, अब क्या करेगा? सन्यासी हो जाएगा, सर्वसन्यास कर देगा। कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, संकल्प कर ही नहीं सकता, हम गोत्र उत्पन्न हम बोल ही नहीं सकता, सन्यासी लेगा वो। लेकिन फिर भी सन्यास के बाद विधि क्या हुआ? भिक्षाचर्यम चरंती, क्यों किया गया ऐसे? संन्यास लेने पर शरीर जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? आप सब तो स्वाहा कर दिए, हार्ड मांस स्वाहा, इंद्रिया स्वाहा, कर्मेंद्रिया स्वाहा, अंतकरण स्वाहा, अज्ञान रूपी कारण शरीर स्वाहा, सब शरीर स्वाहा, हम और तुम स्वाहा, सर्वम स्वाहा, अब क्या रह गया? हम में कहाँ रह गया, शरीर कहाँ रह गया? फिर शरीर के लिए भिक्षा क्यों विधान कर रहे हैं? इसलिए विरजा होम करते भले ही आप सर्वम स्वाहा कर चुके हो, लेकिन प्रारंभ करवशात अभी शरीर दिखाई दे रहा है, जिंदा है, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, भूख भी लगेगा ना उसको, तो उसको खिलाना पड़ेगा। तो खिलाना है तो अपने मजे से बढ़िया से मेन्यू बना करके खाना पीना नहीं,
तय कर रहे थे आज ये बना है, बढ़िया से छको, नहीं भिक्षाम चरंती भिक्षाचरण चरंती, आठ घर से सीमित कर दिया, आठ घर में मांग ना मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, नवे घर में जाना नहीं। आठ घर मांगते हुए आए कहीं नहीं मिला, नवे घर वाला बुरा रहा है, हमारे यहाँ जाओ खाओ, हमारे यहाँ खाओ, हमसे यहाँ ले लो, तो भी नहीं जा सकते, उसको बोलना पड़ेगा कल के लिए बुकिंग, आज नहीं, आठ घर हो गया, कल आपके यहीं से शुरू करूँगा। अगला दिन हो गया, कल हम आप तैयार था भिक्षा देने के लिए, आज हमारे यहाँ नहीं है तो क्या होगा, कोई बात नहीं आगे जाओ। अष्टा आठ घर से आधार इत्यादि जो हो विधियाँ हैं जैसे वैसे यहाँ पर समझो। इति ब्रह्म विद्याम ब्राह्मणानाम सर्वेषणा भ्यो विच्युतवता शरीर यात्रार्थम भिक्षा विधि श्रूयते। ब्रह्मविद्ता ब्राह्मणों को सर्वेषणा का परित्याग कर दिए जाने के बावजूद और विच्युतवता सर्वसन्यास लेने के बावजूद उनके लिए भिक्षा विधि श्रूयते। क्यों? शरीर यात्रार्थम, शरीर की सुगम यात्रा के लिए भिक्षा का विधान किया गया। इसी प्रकार से ज्ञानी नाम अपी अवश्यम शरीर यात्रा नाम वर्तव्यम। इसलिए अर्जुन गया, हमको तो ज्ञानी हो गए हैं, अब हमारे तो संन्यास होगा, हम तो संन्यास ले लेंगे, ऐसे करने से नहीं होगा, आपको संन्यास का अधिकार ही नहीं क्योंकि आप क्षत्रिय। इसलिए कह रहे ज्ञानी नाम अपि अवश्यम शरीर यात्राणाम वर्धितव्यम, शरीर यात्रायाम शरीर यात्रा में अवश्य वर्धितव्य है क्या? भिक्षा। तत्व तत्रापि ब्रह्म विद्याम प्राणत्राणम अवश्यम कर्तव्यम, ब्रह्म विद्या को प्राणत्राण अवश्य करना चाहिए। इति सूचयितुम ज्ञान प्रकरणे आत्मज्ञानी नो अर्जुनस्य, आत्मज्ञानी में मान भी लिया जाए उस अर्जुन को, उस अर्जुन के प्रति क्षत्रित्वेन युवत्वेन च संन्यास वचनस्थत्व योर अनुपपद। संन्यास वनस्थत्व मैंने वानप्रस्थ, संन्यास और वानप्रस्थता का अनुपपत्त हो इस समय उसको अधिकार नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते संन्यास का अधिकार नहीं, युवा होने के नाते वानप्रस्थता का भी अधिकार नहीं। अब 50 उम्र के बाद वानप्रस्थ का अधिकार बनेगा ना, उसे पहले कैसे अधिकार अर्जुन को वानप्रस्थी में होने का? संन्यास को वर्ण वैशादेव अधिकार नहीं, क्षत्रिय वर्ण वाले को संन्यास का अधिकार नहीं, वैश्य शूद्र किसको संन्यास का अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है। आज की बात पूछना नहीं, ये कलयुग है। आजकल आजकल मत बोलो, आजकल ये तो होते रहेगा। बस आप अपने समझिए और सही चलना चाहिए सही चलिए, नहीं चलना चाहिए आपकी मर्जी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते मनुष्य, आप करता है अपने आप को मानते हो, करना न करना उल्टा करना आपकी अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है। वनगमन ही केवल लास्ट है उसके लिए वानप्रस्थ। इसलिए इनका कहना है राज्योस्य राज्य नहीं शरीर यात्रा भवितव्या, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है? राज्य पालन करते हुए, राज्य की रक्षा करते हुए, प्रजा पालन करते हुए, प्रजा मनोरंजन करते हुए तुम्हें जीने का हक है, संन्यास का अधिकार नहीं है। शरीर यात्रा भवितव्य राज्य से च पराक्रांतत्वेन, और राज्य इस वक्त तुम्हारे राज्य तुम्हारे भाई रूपी शत्रुओं के द्वारा आक्रांत हो चुका है, अतएव तज्जयाय यतस्मृति, उनको जीतने के लिए यत्न करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि शरीर यात्रात्र भगवता विद्यते, शरीर यात्रा के लिए भी आपको यहाँ युद्ध करना ही चाहिए, यह बात भगवान के द्वारा विधान किया गया है, विधि पक्ष को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान खुद आगे कहेंगे शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण, ये कर्म न करते हुए तुम्हारी शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। जब तक शरीर जिंदा है तब तक कोई न कोई क्रियाकलाप होती ही रहेगी, काया वाचा मनसा करते ही रहोगे, जब करना ही है करते ही रहना है, करते ही जीना है तो शास्त्र अनुसार करते रहना,
अपने अधिकार को समझ के शास्त्र ने जैसे कहा वैसे ही करते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। ये यहाँ तात्पर्य है। इति अग्रे उचित इस बात को आगे कहने वाले हैं यथा तथा, इसीलिए न कश्चित तत्र कर्म विधि मंतव्यम, इसलिए कोई कर्म विशेष का कोई विधि ही नहीं है, ऐसा ही निश्चय कर लेना चाहिए। 18वें का टिप्पण, भाष्यांश पर टिप्पण तो हो गया था, और श्लोकांश पर जो टिप्पण है, अंतवंत ज्ञाने न बाधो विनाशो वा विद्यते शांते अंतवंत, ज्ञान के द्वारा बाध या विनाश जिनका होवे उन्हें कहते हैं अंतवंत। इमे देह कौन है वे, ज्ञान के द्वारा जिनका बाध या विनाश होने की संभावना है, कहते सब के सब शरीर इमे देह, शरीर त्रेवत्वात् बहुवचनम, इमे देहा क्यों बोल दिया एक ही शरीर हमारे पास, कहते नहीं नहीं हर व्यक्ति के पास तीन शरीर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उक्ता विवेकी भिरिति शेष, किनके द्वारा बात कह दिया गया ये शरीर सब अंत वाले हैं, कहते विवेकियों के द्वारा। और आत्मा के बारे में क्या कहा गया, अनाशिनो पूर्वोक्त चतुर्विद नाश अभावात, पूर्व श्लोकों में जो विचार किया गया था, पहले दो प्रकार का नाश स्वतः या परत, फिर उसी को चार प्रकार से वर्णन आदि किया गया था, उनमें से किसी प्रकार के विनाश के योग्य न होने से इस आत्मा को अनाशिन कहा जाता है। और अप्रमेय, क्यों यह आत्मा प्रमेय है, षड्विध प्रमाण अविषयत्वात् षड्विध प्रमेयत्वाभाव इत्यर्थ, षड्विध प्रमाण के अविषय होने से षड्विध प्रमेयत्व समय नहीं हो सकता। भारत भामने ब्रह्म विद्या प्रकाशात्मिका तस्यामेव रतः प्रतिष्ठितो वृत्तयो यस्य, उसी में ही प्रतिष्ठित सारी वृत्तियां जिसका। श्रुति भी कहती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्वेतासूत्र उपनिषद। तस्मात् यद् कार्यार्थम् आगतोऽसि तत्त्वं कुरु मोहं च त्यज, ये अर्जुन के लिए उपदेश है। और ये कहते जिसलिए जिस कर्म के लिए तुम आए थे, यत् कार्यार्थम् आगतोऽसि वही कार्य को तत्व कर्म को त्वं कुरु मोहं च त्यज। यद्यपि धर्म्यंशे सर्वम अभ्रांतम प्रकारेति विपरीत न्यायात् अस्ति प्रकार संशयः, यदि धर्मी अंश में तो कहीं किसी को भ्रांति नहीं है, सभी को पता है शरीर तो मरने वाला है, कौन नहीं जानता है, और सब यही पता है पिताजी कहाँ गए मर गए स्वर्ग गए ना, मैंने आत्मा तो मरी नहीं ये तो मान रहे हैं ना, पिताजी की पिताजी मर गए उनके मेरे शरीर मर गया, पिताजी भी मर गए उनकी आत्मा भी मर गई, ऐसे कोई कहता है नहीं, कहता कोई भी यही कहते भाई आत्मा तो है पिताजी तो यहाँ नहीं है, ठीक है वो तो ऊपर चले गए स्वर्ग चले गए वो शरीर मरा हुआ है। इसलिए धर्मी के बारे में तो सब जानते हैं आत्मा अनाशी है और शरीर विनाशी है, ये कौन नहीं जानता है। धर्मी अंश में कहीं संशय है ही नहीं, एक ये चारवाक जो कहता है शरीर के मरने के साथ साथ आत्मा भी मर जाता है, चारवाक लोगों को केवल संशय हो सकता है आत्मा के बारे में, अन्य किसी को भी नहीं है। से धर्मेंशे सर्वम अभ्रांतम इन प्रकारे तो संशय विपर्य, प्रकार के मामले में संशय विपर्य हुआ करता है। यदि न्याय अस्थि प्रकार संशय, फिर भी आत्मा शरीर के प्रकार के बारे में संशय तो जरूर होगा, चेत यद्यपि शंका उठाया तथापि प्रमाणम अप्रमाणंच प्रमाभासस्तथैव च यत् प्रसादात् प्रसिद्ध्यन्ति तद संभावना कुतः, कुर्वन्ति प्रमाम यत्र तद संभावना कुतः। श्लोक तीसरे पद में पाठ भेद है, कह रहे देखो प्रमाण
अप्रमाण, प्रमा और प्रमाभास, ये सारी चीजें जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के अस्तित्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में क्या संशय हो सकता है? उसके प्रकार के बारे में, स्वरूप के बारे में क्या संशय होगा? जिसके अधीन सकल व्यवहार है, उसके बारे में कभी कोई संशय विपर्य हो ही नहीं सकता। मैं हूं या नहीं हूं, ऐसा संशय कभी किसी को नहीं होगा। अरे मैं नहीं हूं, ऐसे विपर्य भी कभी नहीं होगा। अतएव कह रहे हैं, प्रमाण अप्रमाण में संशय विपर्य हो सकता है। प्रमाभास और प्रमा तथैव च मन प्रमाण, प्रमा और प्रमाभास के बारे में भी संशय विपर्य हो सकता है। लेकिन जिसके द्वारे सब प्रकाशित हो रहा है, यत प्रसादात प्रसिद्ध्यन्ति, जिसकी प्रकाशन के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने की सत्ता प्राप्त हो रहा है, प्रसिद्धि माने सत्ता की प्राप्ति हो रही है, उस विषय में क्या संशय होगा? तद असंभावना कुतः, उसकी असंभावना की कैसे कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तीसरे पाद में कुर्वन्त्येव प्रमाम्यत्र, जिसके सत्ता को पा करके ये सब अपनी प्रामाण्यता को प्राप्त करते हैं, उसके बारे में असंभावना कैसे हो सकती है? उन्हें नहीं हो सकती है। इति स्मृति अनुसारेण प्रमाभास में संशय, प्रमाण प्रमाणे और विशेषो वा स्वप्रकाशे धर्मणि नास्ति इति निश्चित। श्रुतिश्च येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाससुरमिदं विभाति। यत् साक्षात् अप्रोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर हृदान्यक। अब चार पंक्ति छोड़ के नीचे जाइए, युद्धस्व भाष्यकांश जो बोला था ना, पढ़ चुके थे। युद्धस्व मने ब्रह्मविद ब्राह्मण यथा भिक्षादुर्वर्तते तथा क्षत्रियत्वेन युवत्वाच्च युद्धे नैव भवितव्यम्। इसे ब्रह्मविद ब्राह्मण होने पर भी भिक्षा आदि के द्वारा उसकी शरीर यात्रा करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर क्षत्रियत्व होने के नाते और युवात्व होने के कारण से युद्ध के द्वारा ही तुम्हारी शरीर यात्रा होनी चाहिए। संन्यासवान प्रस्तव अनुपपत्त है, संन्यास और वानप्रस्थ तुम्हारे लिए इस वक्त अनुपपन्न है। राजा सन राज्य नहीं शरीर यात्रा वेतमिति ज्ञापित भुक्तं च भगवता शरीर यात्रा पचते न प्रसिद्ध कर्मण इत्यादि स्पष्ट। आप 19वें श्लोक के उत्तरणिका दे रहे हैं, भाष्यकार कहते हैं संज्ञा 48 में भाषा उत्तरणिका, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्र न प्रवृत्ति मित्य अर्थ से साक्ष्यभूत है ऋषौ आनिनाय भगवान। भगवान जो है अपने वचनों के समर्थन में दो श्रुतियों को ला रहे हैं, उपनिषद मंत्र को ला रहे हैं। शोक मोहादि संसार कारण के निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र है, आपको प्रवृत्त कराने के लिए गीता शास्त्र नहीं है। न प्रवर्तक, गीता शास्त्र केवल अज्ञान का नाशिनी है, कर्म का विधायिनी नहीं है, ये ध्यान रखना है। यह अर्थ को स्थापित करते हुए इस पदार्थ के लिए साक्षी भूते साक्षी के रूप में प्रमाण रूपेण उपस्थित किया जा रहा है ऋचौ दो वेद के मंत्रों को, आनिनाय भगवान ला करके प्रस्तुत कर दे रहे हैं भगवान। यत्तु मन्ये से युद्धे भीष्मादियो मया हन्यन्ते अहमेव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिरपि तव मृषैव मृषैवते। जो तुम्हारी मान्यता है ये भीष्मादियों को मेरे द्वारा युद्ध में मारा जाएगा और मैं इन सब का हंता हो जाऊंगा, यह तेरा जो निश्चय है, तेरी बुद्धि है, वह मृथा मृषा है, मिथ्याई है, झूठी है। खत्म, क्योंकि न कोई संसार में मारने वाला है, न कोई मरने वाला है। अर्थात आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा किसी को मारता नहीं है।
आत्मा में किसी भी प्रकार की हनन या उसका कराना दोनों ही निजंत का साथ भी प्रयोग नहीं हो सकता। नहंति घाते वाक्य, इसी के लिए श्लोक आरंभ हो रहा है येनम इत्यादि। संक्रांति अवतरण के पड़ो अभी यत्तु पापमेव आश्रयेद् अस्मान् इति, यत्तु पापमेव आश्रयेद् अस्मान् इति, असंग्रो नरकायैव कुलघ्नानाम् इति, कथं विषमं संकीति च आत्मन पापक्रिया विषयत्वं तत्फलभोक्तृत्वं च तत्क्रियाकर्तृत्वं च मन्यसे। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में श्लोकों के द्वारा कहा था पापमेव आश्रय दस्मान, हम लोगों के द्वारा पाप आश्रय किया जा रहा है इस युद्ध रूपी कर्म के द्वारा, और हमारे नतीजा क्या निकलेगा, इन सब को मार दूंगा, संकरो नरकायैव, सब संकरी पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, और नतीजा हमारे पितर लोग सब लोग नरक में जाएंगे, खुद भी उनके साथ हमें भी नरक में जाना पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपने दादाजी ने बड़ा प्यार किया, हमेशा आशीर्वाद दिए, मार्गदर्शन किए, गुरु हैं द्रोणाचार्य, सबको मैं कैसे मार सकता हूँ, कदम भीष्म अहम संघ द्रोणंच मधुसूदन इत्यादि के द्वारा जो उसने कहा था आत्मन पाप क्रिया विषयत्वम, आत्मा को पाप क्रिया का विषय मान रहा है और पाप क्रिया का फल का भोक्ता भी मान रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों मान रहे क्रियाओं का, उसी को निराश करने के लिए श्लोक आया हुआ है, मंत्र ला रहे हैं, मन्य से तद आत्म स्वरूप अज्ञान कर्तव्य, वह तुमने जो पूर्व में कहा था वह आत्मा के स्वरूप का अज्ञान के कारण से कहा था। सती आत्म तत्वे प्रज्ञात, और आत्म तत्व का प्रज्ञान होने के बाद न कस्यापि विकल्पस्य अवकाश हो, अब किसी प्रकार के मन में विकल्प संशय विपरीत का कोई अवकाश मैंने अवसर ही नहीं रह गया, अस्ति अवकाशो नास्ति इति आत्मयाथ्यात्म अवगमितुम, आत्मा का ही यथार्थ स्वरूप का अवबोध कराने के लिए तत्प्रकाशन परौ मंत्रौ अर्थ तपटति, तत्प्रकाशन परग मंत्र को शब्द से पाठ नहीं कर रहे, एक दो शब्द फर्क कर देंगे भगवान यहाँ, इसलिए कहते हैं शब्द से पाठ नहीं है, अर्थ तब पठती अर्थ तब पाठ किया जा रहा है। तत्र अध्ययन आत्मन क्रियाश्रित तद विषयत्व यो मन्य से स श्रुत वेदांतोपि मूढ़ वैद्या, वाद्य मंत्र के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व, क्रियाश्रित मने कर्तृत्व, तद विषयत्व क्रिया विषयत्व मने भोक्तृत्व, ये दोनों को यदि इतना आत्मज्ञान के बावजूद मानते हो तुम्हारे श्रुत वेदांत होते भी तुम तो मूढ़ ही रह गए माना जाएगा, श्रुत वेदांतो भी स मूढ़ एव इत्याह एनम वेत्यंतरम इत्यादि। एनम वेत्यंतरम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते येनं वेत्य हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। येनं जो कोई भी व्यक्ति यह एनं मन इस आत्मानं इस आत्मा को हंतारम इति व्यक्ति या हनन रूपी क्रिया करता है ऐसे जानता है, और यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मानम इस आत्मा को हतम मन्यते मेरे द्वारा आत्मा मार दिया गया, आत्मा की मैंने हत्या कर दी ऐसे जो मान रहा है उभौ तौ न विजानी तो, वे दोनों के दोनों वास्तव में इस आत्मा को जानते ही नहीं, नायम मंती क्यों, कि वास्तव में आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता, न तो हनन क्रिया का कर्म हो सकता है, नायम मंती न हन्यते न हनन क्रिया का यह कर्ता है न हनन क्रिया का यह कर्म है।
इसके भाष्य बहुत थोड़ा है। येनम प्रकृतम, कौन? देहिनम। प्रकृति क्या है? देही को एनम कह दिया। हमेशा एन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? अरे सूत्र है द्वितीयाटस्वेन विधि कर, कब होते हैं पूछ रहा हूँ, विधि सूत्र नहीं पूछ रहा मैं। इसको कहते हैं अनवादेश, इदम शब्द को और एत शब्द को एना आदेश होता है तब जब पूर्व में जिस वस्तु को जिस एकाद क्रिया के लिए ग्रहण किया उसको पुनरुपातम चेत, दूसरी बात के उसी को कहना है तो वहां एने शब्द होता है। लोगों को क्या दृष्टांत दिया? अनेन व्याकरण अधीतम एनम छंदो अध्यापय, इदम शब्द है ना, इसने मेरे बेटे ने अनेन पुत्रेण व्याकरणम अधीतम, एक क्रिया के लिए जोड़ दिया अध्ययन रूपी क्रिया के लिए। अब उसी को क्या कर रहे हैं? एनम छंदो अध्यापय, अब इसको वेदों को पढ़ाइएगा, मैंने वेदांग पढ़ लिया है, वेद को पढ़ाइएगा। दो एक ही व्यक्ति को एक क्रिया से अन्वित हुआ, पुनर् उसको ग्रहण करके दूसरी क्रिया से जोड़ना चाहते हो, उसका नाम होता है अनवादेश, वहाँ एना से प्रयोग होता है। और यहाँ पर दो बार एनम का प्रयोग कर रहे, पुल्लिंग होने के नाते एनम प्रयोग हुआ, द्वितीय तृतीय और ओस। सूत्र क्या है? द्वितीय टौ स्वेना, द्वितीय टा ओस, इन्हीं द्वितीय के तीन विभक्ति, टा एक चार दो ओस, छह विभक्तियों में ही इदम शब्द को एना आदेश होता है। अब नपुंसक में एन वक्तव्य वार्तिक आया, इसलिए इन्होंने अर्थ किया एनम का अर्थ भाष्यकार ने क्या कहा? प्रकृतम, पूर्व में जो चर्चा जिसकी हो रखी है उसी को अब कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करने के लिए पुनः मैं ग्रहण कर रहा हूं, इसलिए एनम प्रयोग कर दिया। एनम मने प्रकृतम, देहिनम, देहिनम मने आत्मानम, वेती जानाति, क्या जानता है? हंतारम मने हनन क्रियाया कर्तारम, हनन क्रिया उपलक्षण है, प्रासंगिक है, युद्ध का प्रसंगन था इसलिए हनन कह दिया, नहीं तो सकल क्रियाओं को उपलक्षण कर दिया। वास्तव में यह आत्मा यथा हनन क्रिया का कर्ता नहीं, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। और यश्च एनम अन्यो मन्यते, और यदि कोई दूसरा इस आत्मा को मानता है, हतम देहनन देहनने हतो अहमिति, देह का मरने पर मही मर गया, ऐसे हनन क्रिया या कर्म भूतम, हनन क्रिया का कर्म रूपेण फल रूपेण मान लेता है, तो उभौ वे दोनों ही वास्तव में न विजानाति, विजानीत वे दोनों ही नहीं जानते, न ज्ञातवंतौ, निश्चित रूपेण आत्मा के स्वरूप को सारा वेदांत पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं जानते हैं। वो पूरा रामायण सुनने के बाद कोई कह दे राम और सीता भाई बहन थे, वही वाली बात है यहाँ, है या नहीं? यह कहते हैं कि भाई ततस तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञो इत्यर्थ, इसलिए कहना होगा कि वे दोनों ही लोग निश्चित रूपेण आत्मा के स्वरूप का जानकार है ही नहीं, जानते नहीं। यस्मा जिसलिए कि नायम आत्मा हंती न हनन क्रिया कर्ता भवति, न हन्यते न च कर्म भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्, क्योंकि ये जो है आत्मा है न वास्तव में हनन क्रिया का कर्ता है, न हनन क्रिया का कर्म हो सकता है, क्योंकि वह अविक्रिय है। पूर्ण में अनाशन इत्यादि कह दिया है अविक्रिय, लेकिन अविक्रियत्व तो पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, वही हेतु तो ना कह दिया दोबारा, जिसलिए आत्मा अविक्रिय है इसलिए उसमें यह सब संभव ही नहीं है। यथा हनन क्रिया को लेकर कहा गया उसी प्रकार समझ लेना चाहिए, सर्व क्रियांग कर्ता आत्मा नहीं है, और न किसी क्रिया का फलभूत कर्मभूत वस्तु आत्मा हो सकता है। ये नमिति संक्रांति टीका, यस्तु अहम इमम हन्मी इति अहम प्रत्यार्थम एनम प्रकृतम आत्मानम हंतारम हनन क्रिया कर्तारम मन्यते, यह मैंने जो कोई व्यक्ति ये सोच रहा है मान रहा है अहम मैं इमम हन्मी इस आत्मा का हनन करने वाला हूँ, अहम प्रत्यार्थम अहम इसके ज्ञान का विषयभूता वस्तु
क्या है? एनम अने प्रकृतम आत्मानम, प्रकृत जो आत्मा है उसको हंतारम, मैं इस आत्मा का हंता हूँ, हनन क्रिया का करता हूँ, ऐसा जो मानता है मन्यते। और यो हम अनेन हतोस्मीति एन आत्मानम परेण हतम तनन क्रियाया विषयभूतं च मन्यते। जो व्यक्ति इस प्रकार से मानता है अनेन अगला देवदत्त आदि दूसरे आदमी के द्वारा मेरी आत्मा को मार दिया गया है, हतोस्मि इसी एनम अपनी आत्मा को पर दूसरे के द्वारा हनन क्रिया के माध्यम से, हनन क्रिया का कर्म रूपेण करभूत करके फलभूत होकर के मार दिया गया, ऐसे जो मानता है मन्यते। एवं आत्मानम हनन क्रियाया आश्रय मने कर्ता और विषयम मने कर्मच मन्यमानो तौ उभौ, ऐसे जो आत्मा को हनन क्रिया के कर्ता मान रहे हैं जो, या हनन क्रिया का कर्म मानते हैं जो, वे दोनों के दोनों उभौ पुरुषौ आत्मानम न विजानीतः, आत्मा को वे नहीं जानते हैं। यथाभूतम मातृतत्वम साक्षात न विदितवंत, यथाभूत आत्मतत्व को वे साक्षात नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जान, साक्षात मने बिल्कुल ही नहीं जानना, सर्वनिरपेक्ष रूपेण कथन करना। ये तो जिसलिए अयम आत्मा न स्वयं यम च कंचन हंती, यम च कंचन हंती ये न कि नापि न हन्यते च, क्योंकि आत्मा किसी को भी मारता नहीं है और आत्मा को किसी के द्वारा मारा भी नहीं जा सकता है। देहेन्द्रियासु व्यापृतिषु सत्सु अयम आत्मा चलिते पिच वृक्षे तदंतस्थ आकाश इव कूटस्थस असंग चिद्रूपेण सर्वत्र उदासीनतया तुष्णिमास्ते इत्यर्थः।